देखिए, मैं विराट कोहली के खिलाफ बॉलिंग करना चाहता हूँ। ड्रीमी विकेट मेरे हर किसी की होती है, बाबर आजम सबसे बेस्ट वही विकेट होगी मेरे लिए। देखें, PSL जो दुनिया की बेहतरीन लीग है और उसके लिए प्रिपरेशन, अपने आप को, बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती, तो उसके लिए लाहौर कलंदर वालों ने ये कैंप लगाया, तो ये हमारे लिए, बॉलर्स के लिए, बैट्समैनों के लिए, सबके लिए बहुत बेस्ट है। इससे हमें कॉन्फिडेंस आता है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये PSL से पहले ये कैंप जो है ये हमें बहुत मदद करेगा परफॉर्म करने में। दिलबर, पिछले साल आप स्ट्रगल किया था फिटनेस, इस दफ़ा जो है वो कितने मोटिवेटेड हो, कितने रिदम में हो बॉलिंग के? देखिए, फास्ट बॉलर के साथ फिटनेस इशू चलता रहता है, तो मैं अनफिट हो गया था, तो उसके बाद एक साल क्रिकेट नहीं खेल सका, तो अभी माशाल्लाह फिट हूँ और इंशाल्लाह अपनी कोशिश और मेहनत कर सकता हूँ। बाकी कामयाबी तो अल्लाह देता है, तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला कामयाब करेगा। दिलवर, आपने हारिस के साथ टीम में आए, हारिस को आप देखते हैं कि बहुत अच्छे लेवल के स्टार बने हुए हैं, तो खुद को फ्यूचर में कहाँ देख रहे हैं? देखिए, मैं मेहनत ही कर सकता हूँ और कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि आप बंदा पहले तो नहीं बता सकता कि मैं फ्यूचर में यहाँ पर हूँगा, तो बाकी देखें अल्लाह। क्या तवक्कुआत है, उम्मीद क्या है? देखें, अच्छे की उम्मीद है अल्लाह से और इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। दिलबर भाई, उम्मीद करते हैं कि आप जल्द ही पाकिस्तान टीम में जगह बनाएं, तो क्या एक समय क्या है कि पाकिस्तान टीम में जगह बना के किस आइडियल बैट्समैन के खिलाफ बॉलिंग करना चाहते हैं? देखिए, मेरे लिए तो सारे बैट्समैनों के लिए बॉलिंग करना एजाज की बात है, वो पाकिस्तान खेलना, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अगर बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से, किसी और को भी करने दे सो, क्रिकेट में से किस बैट्समैन के खिलाफ बॉलिंग करना चाहते हैं? देखिए, मैं विराट कोहली के खिलाफ बॉलिंग करना चाहता हूं और इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो ज़रूर। थैंक यू। लग कैसी रही ट्रेनिंग, मतलब आपके 3 ट्रेनिंग सेशन थे, उसके बाद 2 प्रैक्टिस मैच भी आप लोग खेले हो, कितने तैयार हो आप पूरे PSL के लिए? सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू, और ज़बरदस्त रहा है माशाल्लाह, बहुत मज़ा आ रहा है। शाहीन सब लोग आ गए हैं माशाल्लाह, तो उनके साथ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो 2 मैच भी हो गए हैं, 2 दिन नेट के हो गए हैं, आज भी चल रहा है नेट, तो इंशाल्लाह अच्छा ही हो रहा है। जलाल, आप शाहीन आपके कप्तान हैं टीम के, मतलब पूरी दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं, क्या कितना किस चीज़ पे फोकस करने के लिए उन्होंने आपको कहा, या कोई ख़ास उन्होंने आपको कहा कि डिफेंड करना है टाइटल लाहौर के अंदर? यही अपनी टारगेट पर बॉलिंग करें, जो आपके स्किल हैं वो इम्प्रूव करें और सबको दिखाएँ वही, तो बहुत अच्छा शाहीन से सीखने को मिलता है। और फ़खर भाई हैं जितने भी हमारे टीम के, सब बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह टाइटल एक दफ़ा फिर जीतेंगे हम लोग। जब नौजवान खिलाड़ी इस तरह के बॉलर्स जैसे हारिस है, आपके साथ शाहीन है, इस तरह के जो दुनिया मानती है उनके साथ जब खेलते हैं, जैसे यंगस्टर्स को कितना आप समझते हो, मोटिवेशन भी मिलती है, फ़ायदा भी होता है? बिल्कुल, बहुत कुछ सीखने को मिला और अभी भी सीख भी रहे हैं उनसे माशाल्लाह। हमारा कैप्टन भी है, बहुत सिखाता भी है, हर बॉल बताता है हमें कि यहाँ पे करो, और स्पोर्ट भी बहुत ज़्यादा करता है हमें। जिलाते, आपने पूरे पाकिस्तान में टेप बॉल खेली है, लैया समेत साउथ पंजाब में, अब आप प्रोफेशनल क्रिकेट में आए हैं, तो इस पर मैं क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं, जिनको आप TV पे देखते थे उन्हीं के साथ आप ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे? बिल्कुल, कभी सोच भी नहीं सकता था तो यहाँ तक मैं पहुँचूँगा। ये आकब भाई, सर आकब और वकास भाई, जिनको इनकी मेहनत है और उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता अब शाहीन के साथ बॉलिंग करूँगा, वो हमें बताएंगे, बैठेंगे इकट्ठे, तो बहुत खुशी होती है। हमारा बैकवर्ड इलाका है, लैये में रहते हैं हम लोग, वहाँ पे ना कुछ मिलता था हमें खेलने को, सीमेंट विकेट पर खेलना, और लैया वैसे मेरे से 50 किलोमीटर था, मैं गाँव में रहता था, फतेहपुर शहर था हमारा, तो बहुत मसले मसाइल होते थे, मैं टेप बॉल से शुरू किया, टेप बॉल ही खेलता था, तो उसके बाद इन्होंने ट्रायल पे आया था, तो सबसे पहले मुझे वकास भाई ने सिलेक्ट किया था, उसके बाद आकब ने वीडियो वगैरह सब कुछ देखी है, उसके बाद उन्होंने रखा कि ये टैलेंटेड लड़का है। क्रिकेट का शौक कैसे पैदा हुआ आप? जला सामने देख के बात करो। अच्छा, क्रिकेट का शौक कैसे पैदा हुआ आपको? क्रिकेट का तो बचपन से ही शौक़ था, मेरा भाई खेलता था, टेप बॉल खेलता था, तो उन्हीं के साथ मैं जाता और बैठता था बाहर, तो बाद में गली मोहल्ले में जैसे लोग खेलते हैं, कज़नों के साथ मैं टेप बॉल खेलता था, ऐसा ऐसा फिर नेचुरली मेरा स्विंग भी बहुत ज़्यादा था, और उसके बाद
टेप बॉल जो खेली है ना मैंने, वो प्रोफेशनल खेली है, आपको पता ही है मैंने जो क्रिकेट ही टेप बॉल से स्टार्ट की है। और उसके बाद पहला जो इवेंट है ना वहाँ पे ट्रायलों में आया था, उसके बाद नबीबिया का मेरा पहला टूर था इनके साथ, लाहौर कलंदर के साथ। फेवरेट प्लेयर कौन सा? फेवरेट तो हमारा यही है, शाहीन ही है, तो उनके उनसे सीख रहे हैं, वो बहुत कुछ हमें सिखाता भी है। जल्लाद, पीएसएल का आगाज 13 फरवरी को होने जा रहा है, तो क्या एक माइंडसेट बनाया हुआ है, कोई ड्रीमी विकेट किसको आउट करना चाहेंगे? ड्रीमी विकेट मेरे हर किसी की होती है, बाबर आजम, तो जब भी इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो विकेट जो है सबसे बेस्ट वही विकेट होगी मेरे लिए। मतलब बाबर आजम को आउट करना चाह रहे हैं? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, लेकिन वो भी नंबर वन प्लेयर है माशाल्लाह दुनिया का, तो हर किसी की बंदे की ख्वाहिश होती है कि बाबर आजम को आउट करें और अपना नाम बनाए। तो मोहम्मद रिजवान के बारे में क्या राय है, आपका पहला मैच मुल्तान सुल्तान के साथ है, तो कप्तान मोहम्मद रिजवान के बारे में कोई प्लान किया हुआ है? प्लान तो किया हुआ इंशाल्लाह, अभी जो शाहीन को बेहतर टीम लगेगी तो वही टीम बनेगी, अभी तो जो हो रहा है ना स्किल पे बॉलिंग पे फोकस कर रहे हैं, अभी टीम जो बनाएगा शाहीन भाई बनाएंगे। कल हमने मैच में देखा कि आप और शाहीन की बड़ी एक कसम सी चल रही थी, जब शाहीन ने आपको छक्का मारा तो उसके बाद क्या बातें हो रही थी, थोड़ा सा बताएंगे? यही है कि बाप फिर मैं तुझे छक्का मारूंगा, ये जो बोलते हैं बैट्समैन आपको पता ही है। मैंने कहा आप नहीं खाता, पहले एक छक्का मैंने आपसे खा लिया, अब नहीं खाऊंगा।